तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आज हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चों का पाँचवा दिन है। और दोस्तों पाँचवें दिन कितने बच्चों की मोर्टलिटी हुई है, पाँचवें दिन कौन सी दवा लगी है, हमारा मैनेजमेंट क्या है, दोस्तों आपको गोला कितने दिन बाद तोड़ना है, क्या व्यवस्था करनी है, दाना कितने टाइम लगाना है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। अगर दोस्तों आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे और 50 से 60 हज़ार रुपये घर बैठे कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग करना मोबाइल पर ही सिखा दूं। तो दोस्तों आपने देखा था कि हमारे पोल्ट्री फार्म पर बच्चे आ गए थे। दोस्तों तीसरे दिन तक मैंने आपको वीडियो दिया था, मैंने आपको बताया था कि तीसरे और चौथे दिन नीरी और न्यूरोबियन फोर्ट दवा चलती है। दोस्तों 4 दिन हो गए हैं, आज है पाँचवा दिन। दोस्तों पाँचवें दिन का हमारा मैनेजमेंट क्या है, क्या व्यवस्था हमने किया हुआ है, आज कौन सी दवा लगी है, कितने बच्चों की मोर्टलिटी आज हुई है, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और आपको पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है तो हमारे चैनल AK पोल्ट्री कोचिंग को सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग करना मात्र 40 दिन में सीख जाएंगे। दोस्तों बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, मुझे बहुत तकलीफ होती है यार, वीडियो बनाने में कहाँ कमी रहेगी कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आज है पाँचवा दिन, पाँचवें दिन हमने कौन सी दवा लगाई है, क्या व्यवस्था हमने किया है, टेम्परेचर क्या है, पर्दा खोलना है कि नहीं खोलना है, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों हमने पार्टीशन में दे दिया है, हमने आपको बोला था 3 दिन बाद दोस्तों लगभग चौथे दिन या तीसरे दिन शाम तक आपको पार्टीशन कर देना है, गोला हटा देना है। और दोस्तों हमने तीसरे दिन शाम को गोला हटा दिया था जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। कल मैं किसी कारण की वजह से वीडियो नहीं बना पाया और दोस्तों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज है पाँचवा दिन, पाँचवें दिन की क्या व्यवस्था है सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लगातार जुड़े रहिएगा, लगातार वीडियो देखते रहिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग करना बहुत ही आसानी से आप 40 दिन में सीख जाएंगे। 40 दिन सीखने के बाद अपना पोल्ट्री कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप भी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको, आप देखिए। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो हमसे कमेंट करके या फोन करके पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने दोस्तों ये पर्दा जो साइड वाला लगा है इसको ऊपर कर किया है। अभी दोस्तों दिन का मौसम है, दोस्तों दिन के समय में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। रात में दोस्तों अगर टेम्परेचर डाउन होता है, अगर ठंडी बढ़ती है तो हम इसको पर्दा को डाउन कर देंगे, अगर नहीं बढ़ती दोस्तों तो पर्दा ऐसे रहेगा। ये जानकारी आप जान लीजिए दोस्तों, अगर टेम्परेचर मान लीजिए डाउन हो रहा है, ठंडी बढ़ रही है तो पर्दा आपको भी लगा के रखना है। अगर मान लीजिए डाउन हो रहा है तो ऊपर कर दीजिएगा, नहीं अगर डाउन हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारा पार्टीशन कैसे हमने 3 पार्ट में बच्चों को रखा हुआ है। और दोस्तों खुशखबरी है कि हमारा चेला भी आ गया है काम करने के लिए फिर से, और देखिए दाना लगा रहा है। अब दोस्तों हमको काफ़ी आसानी हो जाएगी। एक भाई आने वाला था सीखने के लिए, दोस्तों नहीं आ पाया, चित्रकूट का था, इसीलिए मैं दोस्तों अपना चेला को फिर बुला लिया हूँ और मेरा चेला काम करेगा, पूरा 40 दिन रहेगा। दोस्तों को अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही जानकारी देता हूं तो हमसे जुड़ जाइएगा। आज हमने कौन सी दवा लगाया है एक बार आप देख लीजिए। दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है कि 3 दिन बाद ये दवा लगातार चलेगी, रोज़ चलेगी। दोस्तों लगभग 100 लीटर पानी पर 5 ml ये दवा लगाई जाती है, CID 2000। दोस्तों कहीं कहीं दोस्तों इसको सेफगार्ड भी बोला जाता है और ये पानी में मिलाई जाती है, ये पानी को शुद्ध करने की दवा होती है, ये डेली लगेगी। उसके बाद दोस्तों एविकाल फोर्ट ये कैल्शियम होता है, और दोस्तों न्यूरोबियन फोर्ट आप देख पा रहे होंगे, नेफ्रो केयर। दोस्तों ये दवा आज लगी हुई है, अब ये दवा 2 दिन चलेगी, उसके बाद दोस्तों फिर दूसरी दवा चलेगी। मैं आपको जब दवा और डोज की जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ये दोस्तों 100 लीटर पानी पर 5 ml लगता है, और दोस्तों ये 1000 बच्चे पर 50 ml, 1000 बच्चे पर 50 ml, जैसे आपके कम ज़्यादा बच्चे हैं आप देख लीजिएगा। आपको दोस्तों ये दवा दोपहर में लगाना है, एविकाल फोर्ट और नेफ्रो केयर। दोस्तों आप देख लीजिएगा, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपना मैनेजमेंट एक बार दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मैनेजमेंट है, एक दाना दोस्तों, एक दाना का डब्बा, एक पानी का डब्बा, फिर दाना का डब्बा, फिर पानी का डब्बा, आपको ऐसे रखना है। अभी तक दोस्तों ऑटोमेटिक ड्रिंकर चालू कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये हमारा ऑटोमेटिक ड्रिंकर भी चालू हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये देखिए। और दोस्तों
ऑटोमेटिक ड्रिंकर आप 5 दिन के बाद चालू कर दीजिएगा। बच्चे छोटे रहते हैं, पहुँचते नहीं हैं, लेकिन आपको ऑटोमेटिक ड्रिंकर के साथ साथ दोस्तों छोटा वाला भी ड्रिंकर चलाना है लगभग लगभग 10-12 दिन तक। उसके बाद फिर आप छोटा वाला ड्रिंकर उठा लीजिएगा और छोटा वाला भी फीडर उठा लीजिएगा दोस्तों, बड़ा वाला फीडर लग जाएगा। जब लगेगा मैं आपको बताऊँगा, अभी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। आप देखिए दोस्तों, बच्चे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये हमारा दाना रखा हुआ है उधर, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हमारे पोल्ट्री फार्म में लगभग 3 से 4 गेट हैं और जहाँ दोस्तों हर गेट पर मैं थोड़ा थोड़ा दाना रखवा लेता हूँ और दाना लगाने में बड़ी आसानी होती है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं तो 3 से 4 गेट लगवाइएगा लगभग 50-60 फीट की दूरी पर और आराम से आप दाना बीच बीच में रखवाए रहिएगा, दाना उठा के लगा दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों बच्चे कैसे आपको दिख रहा होगा कि बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे दाना खा भी रहे हैं। दोस्तों बच्चों के जब भूख लगती है दाना खाते रहते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर खाते रहते हैं। दोस्तों हमको इनको खिला पिला कर तैयार करना होता है, आपको पता होगा 40 दिन में जितनी अच्छी तैयारी आएगी उतना अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप भी दोस्तों यही व्यवस्था करिएगा। अगर आपकी व्यवस्था सही है दोस्तों, अगर आप ठीक ठाक व्यवस्था किए हुए हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग में कभी आप फेल नहीं होंगे और आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आज दोस्तों 5वां दिन था, हमने 5वें दिन की जानकारी आपको दे दिया है। मोर्टलिटी आज हमारी हुई नहीं थी दोस्तों, बच्चे आज मरे नहीं थे। और एक बार मैं आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ, टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर रात में डाउन होगा तो मैं पर्दा डाउन कर दूंगा, पर्दा इधर भी लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। अगर दोस्तों टेम्परेचर डाउन होगा तो पर्दा डाउन करूंगा, नहीं तो दोस्तों फिर ऐसे रहेगा, तो टेम्परेचर के ऊपर पूरा खेला रहता है। दोस्तों कभी कभी बारिश होने लगती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर पर्दा डाउन करना पड़ता है। अगर बारिश नहीं होगी, अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होगा तो पर्दा ऐसे रहेगा। एक बार आप टेम्परेचर देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए 85 फारेनहाइट टेम्परेचर। मैंने आपको बार बार बताया है कि 80 से 85-90 तक आपको टेम्परेचर रखना होता है दोस्तों। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा घटता है तब भी दिक्कत होती है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आज था 5वां दिन और 5वें दिन की जानकारी हमने आपको दे दिया है। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, लाते हैं हम आपके लिए पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी और नई जानकारी। अगर जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।